राजस्थान काम की घोषणा की थी माननीय कर्नल साहब। प्रदेश में बैकलॉग की भर्तियां समेत अन्य मांगों को लेकर दो फाड़ हो चुके गुर्जर नेताओं में से जहां एक गुट ने शनिवार को सरकार से समझौता कर आंदोलन नहीं करने की बात कही, तो वहीं गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला गुट के गुजरों ने रविवार को फिर भरतपुर के ब्याना स्थित पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कुछ युवाओं ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की फिश प्लेटें उखाड़ दी। रात को समझौते के लिए हिंडौन पहुंचे सरकार के मंत्री अशोक चांदना से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने मिलने से मना कर दिया और विजय बैंसला से बात करने के लिए कहा, लेकिन विजय बैंसला से भी बात नहीं हो पाई तो चांदना वापस जयपुर लौट आए। इस तरह गुर्जर आंदोलन का रविवार को कोई हल नहीं निकल पाया। अब आज धरना स्थल पर कर्नल किरोड़ी बैंसला और सरकार के बीच वार्ता होने पर ही कोई हल निकलने की उम्मीद है। इससे पहले 1 नवम्बर से राजस्थान में चक्का जाम के आह्वान पर गुर्जर रविवार को भरतपुर जिले के पीलूपुरा में जुटे। दोपहर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पीलूपुरा पहुंचने पर माहौल गर्मा गया। कुछ युवक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और पटरियों को नुकसान पहुंचाने लगे। गुर्जर समाज के कुछ पंच पटेलों के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने नुकसान पहुंचाना बंद किया। फिर कुछ लोग पटरियों पर बैठ गए। इस कारण करीब 60 ट्रेनें प्रभावित हुई, जिनमें 40 मालगाड़ी भी है। कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया जबकि 2 स्थगित करनी पड़ी। गुर्जरों ने पीलूपुरा में मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट उखाड़ दी। इससे मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। उधर गुर्जरों ने ब्याना हिंडौन मार्ग भी जाम कर दिया। सवाईमाधोपुर सहित राज्य के कुछ और स्थानों से भी गुर्जरों के उग्र होने के समाचार है। यही नहीं, रोडवेज के 5 बड़े डिपो दौसा हिंडौन करौली भरतपुर और ब्याना से आगरा और आसपास के एरिया में जाने वाली करीब 220 बसों को रोक दिया गया है। इस कारण सैकड़ों लोग जहां तहां फंस गए। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पीलूपुरा पहुंचने पर मंत्री अशोक चांदना से फोन पर बात की। कर्नल ने उनसे फोन पर 10 मिनट में जवाब मांगा कि गुर्जरों की नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। इस पर वो चांदना के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें धरना स्थल पर बुलाया। चांदना ने कहा कि वो जयपुर से बाहर है, अभी नहीं आ सकते। इस पर कर्नल सिंह ने कहा कि भले ही हेलीकॉप्टर से आए लेकिन यहाँ पहुंच जाए। इस पर चांदना ने 3 घंटे में पीलूपुरा पहुंचने का आश्वासन दिया। मंत्री चांदना जयपुर से रवाना होकर पीलूपुरा के पास तक पहुंच गए लेकिन कर्नल से नहीं मिल पाए। इस पर मीडिया से बातचीत में खुद चांदना ने बताया कि मैं आंदोलन स्थल में के 1 किलोमीटर पहले तक पहुंच गया था लेकिन भारी जाम के कारण आगे नहीं जा सका। फिर किरोड़ी बैंसला से बात की, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप मेरे बेटे विजय बैंसला से बात कर लें। विजय को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं 2 से 4 मिनट में कॉल करता हूं, लेकिन मुझसे दोबारा संपर्क ही नहीं किया। कल से विधानसभा सत्र भी है इसलिए मैं वापस जयपुर गया हूं। इस दौरान कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला ने कहा कि हमने 15 दिन पहले अड्डा गांव में मीटिंग करके सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, इसके बाद सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। हालांकि सरकार ने कुछ लोगों से समझौता करने की बात कही लेकिन क्या समझौता हुआ इस बारे में हमें न तो सरकार ने कुछ बताया और न ही समझौता करने वाले लोगों ने कोई जानकारी दी। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे ब्याना एसडीएम सुनील आर्या नेहरा क्षेत्र के 41 सदस्य गुर्जर प्रतिनिधि मंडल से 14 बिंदुओं पर हुए समझौते के कॉपी लेकर कर्नल किरोड़ी बैंसला के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने समझौता पढ़ना शुरू किया तो कर्नल ने एसडीएम से कहा कि वो विजय बैंसला को बताए, वो ही फैसला लेंगे। इसके बाद विजय बैंसला ने समझौते को लॉलीपॉप कहकर खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK News, जयपुर।